आज अभी मैं बनाने लगी हूँ जो ये कबाब, तो मैं डालूँगी चने की दाल, ये 1 kg से थोड़ी कम है जो मैंने इसके अंदर डालूँगी। ये 15 मिनट बाद मैंने कुकर अब खोला, ये देखिए पानी मुकम्मल खुश्क हो गया। अब तकरीबन 11 बज रहे हैं रात के, ओवरनाइट इसको ऐसे ही रखूँगी मैं। मौसम चेंज हो चुका है, ख़राब नहीं होने लगी सुबह तक, तो ये अब सुबह इसके जब भी ठंडी हो जाएगी ना, हड्डियाँ इसके अलहदा करके और ये चॉपर में डाल के इसको मिक्सअप कर लूँगी। मिक्सअप करने के बाद जितने भी मसाले डालूँगी ना, फिर वो जो फ्रेश मसाले डलेंगे इसमें, धनिया, ज़ीरा पाउडर और सब्ज़ धनिया, ये सब पुदीना, ये सारी चीज़ें डाल के फिर इसको बनाएंगे और ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अब बाकी जो है जब सुबह मैं करूँगी फिर आपको मैं दिखाती हूँ इसको। ओवरनाइट रखने के बाद इसकी शक्ल ये देखें ऐसी आ गई है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसमें जो भी मतलब कमी बेशी थी ना, पानी शानी था, वो सारा ड्राई हो गया है। वो इसलिए क्योंकि दाल जो होती है ना उस वो ख़त्म कर देती है, अगर थोड़ा बहुत हो, ज़्यादा तो हमने रखना भी नहीं है, फिर वो बहुत जूसी सी हो जाएगी और कबाब टूटने का डर हो। अब इसके अंदर ये है, ये भी ख्याल रखिएगा कि अगर तो गर्मियाँ हैं ना तो इसको हमने किचन में नहीं छोड़ना, पहले इसको ठंडा कर लेना, उसके बाद हम लोग इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अगर फ्रिज में नहीं रखना तो अगर जैसे 11-12 का टाइम होता है उस टाइम पे उठा के आप एसी वाले रूम में रखते हैं कवर करके, तो फिर भी ये सही रहेगा। अगर ये किचन में पड़ा रहेगा तो दाल ख़राब हो जाएगी, आपको पता है चिकन और दाल बेशक ताज़ी बनी हुई ख़राब हो जाएगी। अब इसमें जो मसाले डालूंगी ना तो वो फिर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अच्छा, जिस स्टाइल में मैं ये कबाब बनाती हूँ ना, बहुत मज़े के शामी कबाब बनते हैं। अब इसमें मैंने दाल डाली है, दाल के साथ ये मेरे पास 1 kg चिकन है। मैं मिक्स ही डालती हूँ, बोनलेस नहीं डालती, क्योंकि मुझे बोनलेस के जो मिक्स वाला हड्डी वाला चिकन है ना, मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा पसंद है। ये मैंने 1 kg इसमें चिकन डाल दिया, उसके साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच नमक के डाले हैं और साथ ही मैंने ये सुरख मिर्च डाल दी 1 चम्मच और ये थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है। ये 1 क्यूब में मैंने जमाया, ये है इसको अदरक, इसके साथ ही ये लहसुन, ये दोनों चीज़ें डालनी है और पानी तकरीबन इतना ही डालना है, हल्की हल्की दाल जो है ना बस वो डूबी हुई हो, क्योंकि दाल मैंने भिगोई हुई है। और अब इसको मैं करने लगी हूँ बंद, और ये इसको सिर्फ 10 मिनट लगाएंगे। 10 मिनट लगाने के बाद जब ये खुश्क हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से मसाले डाले हैं और ये किस तरह कबाब की इतने मज़े के कबाब बनते हैं। ये तकरीबन 6 से 7 चम्मच धनिया और ज़ीरा ले लेना। अब ये इसको थोड़ा सा ना इसको भून लेना, दोनों चीज़ों को भूनने के बाद इसको हम मोटा मोटा सा कूट के फिर इसके अंदर डालेंगे। ये दाल और चिकन इसको मैंने चॉपर में डाल के ना बिल्कुल सही से चॉप कर लिए, और इसमें अब मैंने डाले धनिया, इसके अंदर मैं डालूंगी ये अदारा मिर्च, 1 चम्मच वो है और 1 चम्मच सब्ज़ मिर्ची हैं, तकरीबन 5 से 7 थी जो मैंने इनको भी कूट ली है, और ये इसके अंदर मिक्स करेंगे हम। नमक मिर्च किसी ने ज़्यादा करनी हो तो वो अपने हिसाब से ज़्यादा, कुछ लोग स्पाइसी भी पसंद करते हैं तो वो अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के जो गरम मसाला होता है ना पिसा हुआ, ये देखिए ये जाएगी, ये तकरीबन 7 चम्मच हैं
जो ज़ीरा और धनिए के हैं इनको अब मैं चॉप में कर लेती हूँ, मोटा मोटा सा करना है, और करके फिर इसके अंदर डालती हूँ। ये स्टोरेज बॉक्स है, इसी के अंदर मैं सारे कबाब स्टोर करती हूँ। बस इतना हम उठाएंगे, इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो इसमें और थोड़ा सा मटेरियल वो डालते जाएं और ये कबाब बनते जाएंगे। ये अब सारे बॉक्स के अंदर ना ये आ गई, इस तरह मैंने लगा दी है। अब जो बाकी रहता है बचा हुआ वो इसके ऊपर मैं बिछाऊंगी। ये टोटल 60 कबाब हैं, इस बॉक्स में मेरे बिल्कुल सही से पूरे आ जाते हैं। अब मैं इसको बंद करूंगी क्योंकि इसे पकना तो है नहीं है, सब में प्लास्टिक शीट लगी हुई है। अब इसको मैं बंद करूँगी और इसको अब फ्रीज़ कर लूँगी। ये ईजीली अब जब मुझे निकालने होंगे तो मैं इसी तरह इसको ओपन करूँगी और आराम से इस तरह उठाती जाऊंगी, ना ये किसी के साथ चिपकी होंगे, अलग अलग से ये आराम आराम से पड़े हुए हैं। एक लेयर में कम से कम 10 कबाब आ जाते हैं, और फिर ये रैपर रख के फिर उसके बाद दोबारा एक लेयर कम से कम 5-6 लेयर इजीली लग जाती है इसके अंदर। इधर जो है ना मैं आपको कबाब फ्राई कर रही हूँ। Thank you.